चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करेंगे। प्रेयर करने से पहले सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी प्रेयर करेंगे। जो भी प्रेयर आप लोग करना चाहते हैं, जिस भी ईश्वर को, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनकी आराधना करेंगे एंड देन वी स्टार्ट द क्लास। चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें लें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपना पूरा ध्यान आसमान की तरफ लेके जाएं। आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखें। वो ऊर्जा आसमान से आपकी तरफ आ रही है। वो ऊर्जा आसमान से आपकी तरफ आ रही है। अपने क्राउन चक्र जो हमारे सबसे ऊपर हमारे सर पर है, वहां से वो ऊर्जा एक झरने के समान आपके शरीर पर गिरती जा रही है। एक लाइट शावर के नीचे आप बैठे हैं, ऐसे अपने आप को महसूस करें। और जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर से नीचे की तरफ आ रही है, एक झरने के समान, वैसे वैसे आपके ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी एक ब्लैक एनर्जी के रूप में, एक काले धुएं के समान आपके शरीर से बाहर निकल रही है। विजुलाइज करें कि सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। आपके विचारों में, आपके मन में, आपकी सोच में किसी भी तरह की वो निकलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है। और जैसे जैसे वो नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकल रही है, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका मन शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह शांत हो गया है। आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह रिलैक्स हो गए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अब आप देखें कि वो ऊर्जा आपके सर के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके फोरहेड में पूरी व्हाइट एनर्जी को महसूस करें। अब अपने फोरहेड से नीचे अपनी आईज में देखें एक व्हाइट लाइट। अपने नोज में देखें, अपने चिक में देखें, अपने चिन में देखें, अपनी पूरी नेक में देखें। नेक से होती हुई वो ऊर्जा आपके शोल्डर्स में आ रही है, आपके शोल्डर से होते हुए आपके हाथों में आ रही है। महसूस करें उस ऊर्जा को अपने हाथों में। अब वो आपके हाथों से फिर आपके शोल्डर्स की तरफ आ रही है और आपके शोल्डर्स से वो ऊर्जा आपके हार्ट चक्र, आपके हृदय, आपके दिल में आ रही है। हमारे हार्ट चक्र का कलर ग्रीन होता है। देखिए कि आपका हार्ट चक्र उस ऊर्जा में कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन लाइट, गोल्डन ग्रीन लाइट में अपने हार्ट चक्र को देखिए और उस एनर्जी को महसूस करें। महसूस करें उस एनर्जी को कि क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको। अपनी उन फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दें। अब धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। अपने सोलर प्लेक्सस, अपने स्टमक, स्टमक से नीचे लोअर स्टमक, अपने थाई, अपनी नीज, अपनी काव मसल्स, अपने पैरों की एरिया एंकल्स में, पैरों के सोल्स में, सब तरफ उस एनर्जी को फैलता हुआ देखें। पूरी तरह अपने आप को एक व्हाइट लाइट में विजुलाइज करें। पूरी तरह अपने आप को एक व्हाइट लाइट में विजुलाइज करें। और अगर किसी को इस वक्त कहीं कोई दर्द पेन है तो उस बात कर रही थी, आज पता नहीं कौन सा। एनर्जी को उस जगह पर लेकर आए, उस दर्द वाली जगह पर, और हील करें उस व्हाइट लाइट से उस पेन को, उस दर्द को। फील करें उस दर्द को, उस पेन को। आप अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र एक नमस्ते की मुद्रा में लेकर आए अपने हृदय के पास, और आप अपने गुरु जिसको आप मानते हैं, अपने ईश्वर जिसको आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उसकी प्रार्थना करें। उनसे अनुमति लें कि आप आज जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता।
ही मदर क्वाई नेम को इन्वोक करें, मदर क्वाई नेम को इन्वोक करें और उनसे प्रेयर करें कि आज आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आपको ब्लेसिंग्स दें वो। साथ ही कुदरत की हर एक वस्तु को धन्यवाद करें जिसके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हैं। हर उस चीज को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करके धीरे धीरे अपनी आंखों को लगाएं और अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए नाउ वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास को ऑन करें, क्योंकि अगर आपके कैमराज ऑन होंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी, और अगर मैं आपको देख पाऊंगी तो मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी, और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी तो मैं क्लास को अच्छे से ले पाऊंगी। चलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमराज को ऑन करें। अभी भी काफी सारे लोगों के कैमरा ऑन नहीं है। अभी भी आई थिंक काफी लोगों ने अपने कैमरा नहीं ऑन करी है। क्या मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए जो लोग बाहर हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग किसी कारणवश नहीं खोल सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के सभी लोग खोलें। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास है मैग्निफाइड हीलिंग के बारे में है। मैग्निफाइड हीलिंग, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अधिकतर सभी लोग यहाँ पर रेकी ग्रैंड मास्टर्स होंगे या कोई ना कोई मोडालिटी से जुड़े हुए होंगे। मे आई राइट, शो मी द थंब। मेरा वॉइस कोई स्लो तो नहीं है ना? मेरा वॉइस बिल्कुल ओके है? ओके ठीक है। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास आज है, हमारा मैग्निफाइड हीलिंग का क्लास है। मैग्निफाइड हीलिंग क्या होती है? मैग्निफाइड हीलिंग एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। मैग्निफाइड हीलिंग ज्यादातर वही लोग करते हैं जो लोग ऑलरेडी रेकी ग्रैंड मास्टर्स होते हैं। अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं हैं और आप हीलिंग कर रहे, मतलब आप सीख रहे हैं, तो देखिए आजकल लोग सिखाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि अगर आप नहीं हैं और आप सीख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उस चीज को कोप अप करना। क्योंकि जब हम रेकी सीखते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे मेडिटेशन या कोई भी और ऑकल्ट साइंस की, हम किसी भी मोडालिटी को जब हम करके आते हैं तो हम काफी मेडिटेशंस कर चुके होते हैं, अपने इंटरनल क्लीनिंग्स को कर चुके होते हैं और हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो हायर लेवल पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद जब हम मैग्निफाइड हीलिंग सीखते हैं तो मैग्निफाइड हीलिंग के अंदर हमारे पास बहुत इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, जो पावरफुल सिंबल्स होते हैं। जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा कनेक्शन उनके साथ जल्दी जुड़ जाता है। और अगर ऐसा नहीं हम करते हैं और हम डायरेक्ट सीखते हैं तो पहले हमको अपनी क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो क्लास के साथ में आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे
और फिर आपका मन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि शायद ऐसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे करना ही है, मैं करूंगा ही, मैं उसको मतलब कोप अप कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी होती है, हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है। कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो एक साल में दो दो क्लासें भी पास आउट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अधिकतर डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी पर्सनल एनर्जीज के ऊपर, ठीक है। बाकी जो हमारी मैग्निफाइड हीलिंग, जो मैग्निफाइड हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, ये मदर क्वाइनिन के द्वारा आई है। मदर क्वाइनिन कौन थी? वो एक बौद्धिक सत्वा थी। उनका जन्म बेसिकली अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है कि उनका जन्म जापान में हुआ था या चाइना में हुआ था, या बहुत लोग बोलते हैं कि वो हमारे इंडिया में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो जब उनको बदला गया था एक गर्ल के साथ में, तो जब उस गर्ल को कंस ने मारा था, तो वो जब वो जो ऊपर आसमान में चली गई थी, तो उसने भविष्यवाणी की थी। तो बहुत सारे लोग उनको उस चीज से भी रेजोन करते हैं कि वो है जो क्वाइन जी हैं, क्वाइनम है, मदर क्वाइनम है, वो गर्ल हैं जिसको लोग तारा माँ के नाम से भी जानते हैं, जिसको लोग पार्वती जी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारा कुछ इनके बारे में बताया गया है। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता, लेकिन जितनी भी आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप गूगल पर जाएंगे, इधर उधर स्टडीज करेंगे, तो 13वीं सेंचुरी के अंदर ये जापान में हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये बुद्धिज्म के साथ में जुड़ी और इन्होंने तप करा, तपस्या करी। इनके फादर चाहते थे कि ये शादी करें, इनकी मैरिज हो, फैमिली हो, जैसा कि नॉर्मल हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे की शादी हो, घर हो, फैमिली हो, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी और उन्होंने अपना जीवन जो है आध्यात्म की तरफ दिया। वो पहली लेडी थी जिन्होंने जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो बौद्धिक सत्वा जो बनी, निमराना का जब उनका समय आया, जब उन्हें मोक्ष मिला, तो उनको बहुत सारे ऐसे लोगों के दर्द की आवाजें सुनाई दे रही थी कि वो मोक्ष नहीं ले पाई, मतलब उन्होंने निमराना नहीं करा और वो इसी संसार के अंदर रुक गई लोगों को हेल्प करने के लिए। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, किसी के मन में बहुत तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले जो वो आवाज होती है मदर क्वाइनिन के पास जाती। तो इसलिए उनको एक फॉरगिवनेस की देवी कहा जाता है, उनको एक पेन रिलीफ करने के लिए उनको कहा जाता है। चाइना में उनके बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जहां पर उनकी बहुत पूजा की जाती है। बाहर के देशों के अंदर जापान, चाइना, अमेरिका, अब धीरे धीरे इंडिया में भी उस चीज का प्रचलन होना शुरू हो गया है, लोग उसको जानने लगे। मदर क्वाइनम ने से बुद्धा जी उनसे फिर और आगे के जो हमारे जो अनुयायी हैं उन सबको ये मैग्निफाइड हीलिंग सिखाई गई, ठीक है। इसके अंदर टोटल हमारे 45 सिंबल्स होते हैं। हर सिंबल की एक मिनट, आप एक सेकेंड,
मैम आई थिंक यू आर म्यूटेड। हाँ जी, चलिए, वेरी सॉरी। चलिए, हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जैसे जापान, चाइना एंड अमेरिका, और अब धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी इनके बारे में लोग जानने लग गए हैं और इनको लोग समझने लगे हैं, और इनके जो भी हमारे कोर्सेज हैं मैग्निफाइड हीलिंग का, ये इन्हीं का देन है। इसके 45 सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल की अपनी एक पावर होती है। इसके हम लोग जैसे अगर आप कहीं अगर आप देखते हैं मैग्निफाइड हीलिंग के अंदर, ज्यादातर हम लोग मेडिटेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन के साथ हम क्यों काम करते हैं? मेडिटेशन के साथ हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारी पावर्स को हम इनहेंस करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे 45 सिंबल्स, जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारी, अगर आप इसको बहुत पीछे जाके देखेंगे, ट्रेडिशनल उसमें जाके देखेंगे, तो वहां पर आपको 45 सिंबल्स सिखाए जाते हैं। आजकल मुझे नहीं पता, मार्केट के अंदर ऐसा मैंने सुना है कि वो लोग सिर्फ इसके 4 फेसेस में आपको सिखाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके वो आपको सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसके 45 सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स वो लोग नहीं देते हैं, वो सिर्फ मेडिटेशन आपको करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सिंबल्स के साथ मेडिटेशन सिखाएंगे, जिसमें आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को हम उसमें डिवाइड करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। सारे सिंबल्स आपके, ज्यादातर 99% सिंबल्स सारे आपके डिफरेंट होंगे, जो आपने आप रेकिंग में सीखा है या और भी कोई मोडालिटीज के अंदर सीखे होंगे, उससे काफी हटकर है। करुणा रेकी के इसके अंदर 4 सिंबल्स करुणा रेकी के इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, बाकी आपके जितने भी सिंबल्स हैं सारे अलग सिंबल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, जिसको हम सीखेंगे जब आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं क्लास को। इनके अपने कुछ मंत्रास होते हैं, उन मंत्रास को भी हम, उस पर भी हम काम करेंगे, उनका भी हम लोग चैंटिंग्स वगैरह जो है आपको देंगे, आप वो खुद से करेंगे ताकि आप अपनी पावर्स को बढ़ा सकें। बेसिकली जो मदर क्वाइनेम है, इनका जो कलर होता है ये व्हाइट कलर की होती है, लेकिन आप इनको पिंक कलर से भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिंक जो होता है हमारे, जैसे ये करुणा की देवी है, तो पिंक कलर को भी इनके साथ आप रेजोन कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरे अपने 7 चक्रास को के जितने भी हमारे कलर्स हैं, अगर आप उन सबको एक कलर में देखेंगे, तो वो सब एक व्हाइट कलर होता है, एक व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आपको व्हाइट लाइट की एनर्जी फील करवाते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कोई भी मेडिटेशन में आपको बोलते हैं व्हाइट लाइट को विजुलाइज करें, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। कई जगहों पे पर्पल लाइट को भी यूज करते हैं, क्योंकि पर्पल लाइट हमारी थर्ड आई का कलर होता है पर्पल। तो बहुत सारे जब हीलर्स होते हैं, जो हम लोग हीलिंग्स करते हैं, तो सबसे पहले वो हमारी थर्ड आई पर ही उसका काम होता है। जैसे हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है, तो हमें कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला कलर दिखता है हमको, वो हमें दिखता है व्हाइट कलर, वो सॉरी पर्पल कलर दिखाई देता है, किसी को पिंक कलर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें वो कलर्स दिखाई देते हैं।
ठीक है, तो इसलिए कई लोग इसको व्हाइट पर्पल कलर में भी हीलिंग आपको करवाते हैं, कई लोग आपको पिंक कलर में करवाते हैं, बट बेसिकली अगर आप इन सब रंगों का एक कलर देखेंगे तो वो व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर यानी कि शांत, एक बहुत ही शांत काम व्हाइट कलर होता है। तो व्हाइट कलर इनका जो देवी होती है इनका भी जो होता है व्हाइट कलर होता है। अच्छा, मदर क्वाइनिन को जो जो लोगों के बेबीज नहीं होते हैं अगर वो इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनकी वर्शिप करते हैं, इनके मंत्र को चैंट करते हैं, इनके ऊपर अपना पूरा 101% एक बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करके रखते हैं, तो उन लोगों को बेबी भी इनसे प्राप्त होता है, ये उनको बच्चे भी देती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है एक करुणा की देवी है, हर किसी के दर्द को समझती है, क्योंकि इनके अंदर फीमेल एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये एक फीमेल एनर्जी की देवी भी इनको कहा जाता है। आपको पता होगा कि हर व्यक्ति के अंदर दो एनर्जीज होती है, एक मेल एक फीमेल, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, हर व्यक्ति के अंदर दो एनर्जीज होती है, तभी हम बोलते हैं ना शिव शक्ति, तभी हम उसमें जो हमारे सिंबल नंबर 2 है बैलेंस करने के लिए, तो वो शिव शक्ति का ही सिंबल है जिसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर आप मेल हैं तो आप में मेल एनर्जी ही ज्यादा होगी, कई बार मेल के अंदर फीमेल एनर्जी ज्यादा हो सकती है, कई बार फीमेल के अंदर मेल एनर्जी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है फीमेल एनर्जी इनके अंदर ज्यादा होती है, तो ये फीमेल एनर्जी की भी एक देवी इनको माना गया है। ठीक है, अच्छा, इनके जो सिंबल्स होते हैं बेसिकली जो इनकी जो इनके हर इसमें बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड सिंबल्स भी हैं कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप ये सिंबल को लीजिए, तो आप वो सिंबल्स को इसमें यूज कर सकते हैं, उन सिंबल्स के माध्यम से आप हीलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपने रेकी के जो 4 सिंबल्स आपने सीखे हुए हैं, सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3, सिंबल नंबर 4, मेन हमारे 4 सिंबल्स ही होते हैं रेकी के अंदर ग्रैंड मास्टर में। जब आप लेवल 3 तक जाते हैं तो आप इन 4 सिंबल से आपका अटूनमेंट होता है, अटूनमेंट और रेकी के अंदर 4 सिंबल्स का ही होता है, ग्रैंड मास्टर तक भी आपको 4 सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाता है। तो इन 4 सिंबल्स के साथ आप उन सिंबल्स को मिलाकर हीलिंग करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी है और अगर वो डायरेक्ट इसको सीखते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पहले पीछे का सारा कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने अंदर इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सब एकदम आप हर किसी ने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रेकी सीखा होगा, हर किसी का तरीका अलग होता है, किस तरीके से आपने सिंबल्स के साथ में काम करना है, किस तरीके से कैसे करना है, तो ये सारा आपको मैनेज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आपको 45 सिंबल्स सिखाएंगे, 45 सिंबल्स का आपको शक्तिपात कराएंगे, 45 सिंबल्स को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो सिंबल्स होते हैं इनसे आप हर तरह की बीमारियां, खास तौर से हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर्स की बीमारी, इस तरह की बीमारियों के लिए आप इनको यूज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियों को, इस तरीके की बीमारियों को आप खास तौर से यूज करेंगे। उसके अलावा जो मैग्निफाइड हीलिंग है ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाती है, ईश्वर के साथ आपके कनेक्शन को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमारियां आपके जीवन से जाने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप कॉस्मिक एनर्जीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं। एनर्जी दो ही तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? अगर भगवान है, अगर पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, कोई भी तरह की परेशानी है जीवन के अंदर, तो आप नेगेटिव एनर्जीज के कांटेक्ट में आते हैं। बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं पर उन्हें मालूम ही नहीं होता इंटरनली जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसके कारण से वो हीलिंग करते करते ही नेगेटिव एनर्जीज के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। उस कांटेक्ट में वो ना आए उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना पड़ता है। अब उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप कैसे बढ़ाएंगे? आप सिंबल्स के माध्यम से, सिंबल्स को सीखेंगे, मेडिटेशंस के माध्यम से आप अपनी उन स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएंगे। जैसे हम हर मोडालिटी के अंदर 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, 7 चक्रास के ऊपर हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे 7 चक्रास हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर पार्ट हमारा 7 चक्रास के साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है, जैसे जैसे हमारे चक्रास की हीलिंग होती जाती है वैसे वैसे हम रिलैक्स होते जाते हैं, ठीक है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है, हम उस परम शक्ति के साथ हमारा मिलन हो जाता है। तो जब हम अपने सेवन चक्रा के ऊपर काम करते हैं और हम मेडिटेशन पे बैठते हैं या हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी तरीके के सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी मोडालिटी के साथ जुड़ के काम करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपनी थर्ड आई पे काम करते हैं, आप कोई भी सिंबल से काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ घर में बैठ के अपने भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठ के अपने जो भी आपको किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दे रखा है, अगर आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप अपने थर्ड आई के ऊपर काम करें। लेकिन अगर आप थर्ड आई तो आपकी एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि थर्ड आई आपकी सबसे जल्दी एक्टिवेट होती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो डायरेक्ट हमारी थर्ड आई से ही, हम बोलते हैं ना विजुलाइज करें तो वो थर्ड आई से ही होगा, फील करें थर्ड आई से फील करेंगे, ठीक है, देखने की कोशिश करें थर्ड आई से ही देखेंगे, तो वो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी जल्दी, आपको एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सबसे पहले जो हमें कलर दिखने शुरू होते हैं वो हमें पर्पल कलर दिखना शुरू होता है, पर्पल कलर, पिंक कलर, ये सब हमारे थर्ड आई के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्लू कलर, ये सब हमारी थर्ड आई के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके बाकी के चक्रास बैलेंस नहीं है और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके कांटेक्ट में आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके बाकी के चक्रा एक्टिवेट नहीं होंगे, और तो आपका जैसे मूलाधार चक्र, रूट चक्र, अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, घबराहट की फीलिंग होती है। सोलर प्लेक्सस अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो इच्छा शक्तियों में कमी आ जाती है। आपके सैक्रल चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है तो भी आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी आएगी। हार्ट चक्र अगर आपका एक्टिवेट नहीं है, अगर हार्ट चक्र के अंदर ब्लॉकेज है तो इमोशनल वैक्यूम्स आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगे, और जितनी भी आपका मन अंदर से छोटा हो जाता है ना, कमजोर मन कहते हैं ना, ये बड़ा ही कमजोर मन का व्यक्ति है, इसके सामने ऐसी बात मत बोलो, ये बड़ा ही इमोशनल पर्सन है, इसको ये मत बताओ, तो आपको मालूम है जितनी भी ये नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये सीधा आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम मतलब अटैक करती है। जितना भी आपका मन कमजोर होगा, एनर्जी आपको जल्दी से अपने कॉन्टेक्ट में ले लेगी। तो इसलिए आपको अपने सभी चक्रा को बैलेंस करना है। अगर आपके नीचे के चार चक्र बैलेंस नहीं है और आपने थर्ड आई के ऊपर काम करा है तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे से अपने सभी चक्रास के ऊपर काम करते 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 अपनी थर्ड आई के ऊपर आते हैं और तब आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। थर्ड आई के बाद आपका क्राउन चक्र होता है, क्राउन चक्र के ऊपर आपके और भी चक्रास होते हैं, फिर आप धीरे धीरे आपकी वो जर्नी जो होती है थर्ड आई पर आपकी शुरुआत होती है, और फिर आप धीरे धीरे उस चीज से बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर हमारे जो सिंबल्स हैं वो सब हमारे को उन सब कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जोड़ते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं आपको कैसे वो उनकी फीलिंग्स को बताऊं, कि अगर आप उनको फील करेंगे तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी में जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है तो आपके जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, मन की शांति, जो जीवन में उथल पुथल चल रही होती है आपका, वहां से मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, और जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप जीवन में सही डिसीजंस को ले पाते हैं। ले पाते हैं ना, बताइए ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? ले पाते। उसके साथ में अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि अट्यूनमेंट क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अट्यूनमेंट क्या जरूरी है? यस, अट्यूनमेंट जरूरी है। अट्यूनमेंट जरूरी क्यों होता है? अट्यूनमेंट जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जब अट्यूनमेंट के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जीज को दिया जाता है, मतलब सिंबल्स के माध्यम से जब हम आपको अट्यूनमेंट करेंगे, हर एक एक सिंबल का, यहाँ पर हम 45 सिंबल जो हम सीखेंगे, 45 सिंबल्स का अट्यूनमेंट देंगे, ठीक है। जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो रेकी में हमें सिर्फ चार सिंबल्स का अटूनमेंट मिलता है, लेवल वन में, लेवल वन में तो आपको वन एक ही सिंबल का अटूनमेंट मिलता है,
लेवल टू में आपको 3 सिंबल्स के अटूनमेंट मिलते हैं, लेवल फोर में आपको चारों, सॉरी लेवल थ्री के अंदर आपको चारों सिंबल्स के अटूनमेंट मिलते हैं, ठीक है। वन लेवल वन में 1 सिंबल, लेवल टू में 3 सिंबल्स, लेवल थ्री में आपको 4 सिंबल्स के अटूनमेंट मिलते हैं, लेवल फोर में भी आपको 4 ही सिंबल के अटूनमेंट मिलते हैं, लेकिन उसको करने अटूनमेंट देने का तरीका अलग हो जाता है। लेवल फाइव के अंदर आपको वही सिंबल्स होते हैं, लेकिन उसका भी देने का तरीका अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेवल फाइव में भी आपको कुछ सिंबल सिखाते हैं, आई थिंक 15 सिंबल्स मैंने सिखाए होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है। तो वो हर मास्टर्स के ऊपर होता है कि वो आपको कितना सिखाए, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल जो हमारी रेकी है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सिंबल्स का ही अटूनमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आपको हम पूरे के पूरे 45 सिंबल्स का, एक एक सिंबल का अटूनमेंट देंगे। अब अटूनमेंट देना क्यों जरूरी होता है? अटूनमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि आपके अंदर की जो एनर्जी है और जो कॉस्मिक एनर्जी है उनका बैलेंस हो सके, है ना। डायरेक्ट जैसे हमने बोला ना कि आप डायरेक्ट अगर सीखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट तो देखो कोई भी चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना नेगेटिव चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना पॉजिटिव चीज को, बिकॉज हम वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो एक लेवल से हर काम होता है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति के पास जिसने कभी जिंदगी में पैसा ना देखा और अचानक उसके पास करोड़ों रुपए हो जाए, तो वो बौखला जाएगा। मनी इज वॉट, मनी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एनर्जी ना। मनी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, हर व्यक्ति उसके लिए उसको पाना चाहता है जीवन के अंदर, क्योंकि उसके माध्यम से वो अपने जीवन के बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकता है, तो दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है और अचानक से उसको करोड़ों रुपए मिल जाता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो उसको संभाल नहीं पाता, उसको बैलेंस नहीं कर पाता, और जैसे आता है वैसा चला जाता है ना। और एक व्यक्ति जो बहुत आलीशान राजा महाराजा, और एकदम से अगर वो गरीबी में आ जाए, एकदम से उसको एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की तरह जीना पड़े, तो शायद वो बैलेंस नहीं कर पाएगा उस चीज को, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, वो मर सकता है, अपनी याददाश्त भूल सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल चेंज हो गया उसका, उसकी सारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई, वो सॉरी उसकी जितनी भी सिक्योरिटीज थी वो सब खत्म हो गई, वो अपने जीवन में पूरी तरीके से इनसिक्योर हो गया। कितने समय तक तो वो इसी उधेड़बुन में चला जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे हो गया सब कुछ। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि चीजों का बैलेंस होना जरूरी होता है। एकदम हायर एनर्जी तक पहुंचने के लिए भी चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, एकदम लोअर एनर्जी को में तो देखो कोई आना ही नहीं चाहता, है ना। हर कोई अपने जीवन में अच्छा अच्छा करना चाहता है, आगे आगे बढ़ना चाहता है। और आप सब लोग यहाँ पर जो भी हीलर्स बैठे हैं, आप सब इस चीज को समझते हैं, आप सब इन चीजों को जानते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं और इसीलिए आप इस कोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देखिए ना, एक फ्लावर है, किसी भी तरह का आप कोई फूल ले लें। अब एक व्यक्ति है, एक राजा है, वो कहता है कि उसको ये सफेद फूल पसंद नहीं है, सफेद फूल नहीं चाहिए। अब वहां के लोग क्या करेंगे, उस सफेद फूल को कलर कर देते हैं, ठीक है। उस जैसे ही वो सफेद फूल खिलता है, उसकी जगह पे लाल फूल लगा देते हैं, पीला फूल लगा देते हैं, मतलब सफेद फूल को हटा देते हैं, क्योंकि उनके राजा को सफेद फूल पसंद नहीं है। फिर क्या होता है, वो हटाते जाते हैं, लेकिन जब नीचे से जड़े जो है वो फिर से वही फूल उगाती हैं, वो फिर से वही फूल उगाती हैं, वो फिर से वही फूल उगाती हैं, उसके कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार वही फूल होके उगेगा, वो बार बार उसको ठीक ही करते रह जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि उसकी जड़ को बदलना पड़ेगा। जब आप उसकी जड़ को बदल देंगे, तभी उसमें जो जिस पौधे की जड़ को आप वहां पे लगाएंगे, तो वही फूल वहां पर खिलेगा, वही फूल खिलेगा ना। तो उसी तरीके से जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं, जब भी किसी के जीवन में कोई भी पास्ट कर्माज होते हैं, देखिए आप सबको मालूम है कि हमारे जीवन में पास्ट कर्मस का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, जो हमारी आज हम जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से मिला हुआ है हमको। जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीजें जुड़ी भी होती हैं एक दूसरे के साथ में। जब तक हम उन चीजों को, उन कर्मास को हील नहीं करेंगे, हम ऊपर से कितनी भी पॉलिश कर लें, पॉलिश मतलब कितना भी पाठ पूजा कर लें, कितनी भी हीलिंग कर लें, वो चीजें खत्म नहीं होंगी जब तक कि आपको उसकी रूट कॉज पर जाकर आप उन चीजों को खत्म नहीं करेंगे।
तो सिंबल्स के माध्यम से आप उनकी रूट कॉज तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, जब आप उस परम शक्ति के साथ मिलेंगे मेडिटेशंस के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, तो फिर आपकी वो जो रूट कॉज है वो वहां जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? किसी भी तरह का, देखो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपने बोला कि आपको बहुत एसिडिटी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाई दे देगा। आपको दवाई देने के बाद आपकी जो वो एसिडिटी है वो वहां पे उसको दवाई के माध्यम से उसको वो खत्म करेगा। दर्द है तो उस दर्द के लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा, जिस एंटीबायोटिक खाने से आपके लिए कुछ देर के लिए आपका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म मिटेगा नहीं वो। वो जब तक उस दवाई का असर होता है तब तक वो दर्द नहीं होता, उसके बाद फिर होता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि जब तक हम हीलिंग करते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम हीलिंग छोड़ देते हैं तो फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं, चीजें होता है ना। तो कहने का मतलब कि उसको बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल पास्ट में जाकर उसकी रूट कॉज को खत्म करने से ही आपको उसका रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ कराते हैं, पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं, पास्ट लाइफ के अंदर जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर उनको हील करते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ में हर कोई नहीं जा सकता, जाने के लिए तो हर कोई जा सकता है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जा पाते हैं, और वो एक लंबा प्रोसेस है। पर आप यहाँ पर भी रेगुलर मेडिटेशन करके, सिंबल्स को यूज करके, मेडिटेशन करके आप उन चीजों को ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके ऊपर है। हर व्यक्ति के जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन की अपनी एक ऊर्जा है, तो आपको उस ऊर्जा को बैलेंस करना है इस मोडालिटी के माध्यम से। अगर आपकी वो सभी चीजें बैलेंस हो जाएंगी तो आपका जीवन अपने आप से अच्छा होना शुरू हो जाएगा, जो कि हम रेकी में भी करते हैं, या आपने कोई और मोडालिटीज भी सीखी होंगी, उन मोडालिटीज में भी हम उन्हीं चीजों को सीखते हैं। लेकिन मैग्निफाइड हीलिंग में क्या होता है कि आपकी पावर, जो सिंबल्स की पावर है, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका आपको जल्दी और फास्ट रिजल्ट मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि हम हीलिंग करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो आपकी खुद की पावर्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की पावर्स अच्छी नहीं है तो सामने वाले को रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड बात कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका ट्रस्ट, उसका बिलीफ सिस्टम उस चीज के प्रति बिल्कुल 100% होना चाहिए। उसके अलावा पास्ट के कर्मास, अगर उस व्यक्ति के पास्ट के कर्मास बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी कर्मास है, मतलब बहुत ही बैड कर्मास है, या फिर किसी तरीके से कोई नेगेटिव एनर्जीज ने उनके ऊपर अपना पूरा घेरा डाल रखा है। अब नेगेटिव एनर्जीज भी कैसे आती है ना, वो भी आपके पास्ट कर्मा से ही आपके जीवन में आती है, ऐसे वो हर किसी के जीवन को डिस्टर्ब नहीं करती है। और अगर कोई एनर्जी अपने आप से आपके जीवन में आपको मतलब आ जाती है तो वो एनर्जी चली भी जाती है। ठीक है? वो ज्यादा दिन तक रुकती नहीं है, वो चली जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कहीं से भी उनको कोई चुराया, चाप लिया, कुछ कर लिया, कोई एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो गई, उसके लिए वो थोड़ा बहुत कुछ कराते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो एनर्जी वहां से निकल जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है? कई बार इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो, आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जीज के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, वो एनर्जी अपने आप चली जाती है। लेकिन जो एनर्जी आपके कर्मा से आपके जीवन में आती है, जो एनर्जी किसी के थ्रू आपके जीवन में भेजी जाती है, वो एनर्जी को निकालना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन हम हीलिंग से क्या कर सकते हैं, हम हीलिंग से यही कर सकते हैं कि अपने खुद की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जब हमारी एनर्जी बढ़ जाती है तो जितनी भी नेगेटिव तरह की एनर्जीज होती हैं, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके साथ जुड़ी होती हैं, तो जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आप अंदर से नीट एंड क्लीन होते जाते हैं, आपकी एनर्जीज लेवल बढ़ती जाती हैं, सभी तरह की एनर्जीज जो होती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, आपके ऑरा को, आपके घर को, सबको छोड़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अपने घर को प्रोटेक्शन में रखिए, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए। तो इसीलिए हम लोगों को सिंबल्स का इतना महत्व है जीवन के अंदर, तभी हम लोग सिंबल्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और रेकी एक बहुत ही इजी
हीलिंग है, आप कहीं पर भी बैठकर इसको हीलिंग कर सकते हैं, कभी भी हीलिंग कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप नहा धो के बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं नहाए हैं, बिना नहाए धोए भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर किसी तरह का कोई धर्म का कोई वो नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म के हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, हमको हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, हमको उस परमात्मा के साथ में जुड़ना है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप सबके माइंड के अंदर ये चीज है कि आपको परमात्मा के साथ जुड़ना है, उन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ना है। परमात्मा किसी भी रूप में आपके जीवन में आए, चाहे वो, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, हर धर्म के अपने अपने देवी देवता होते हैं, हर धर्म के अपने कुल देवी देवता है, हर परिवार के अपने कुल देवी देवता है होते हैं, हर धर्म का कुछ ना कुछ अपना होता है, लेकिन जो उनका मकसद होता है वो एक ही होता है, और वो सब जो होते हैं वो एक कॉस्मिक एनर्जीज होती है, एक वाइट लाइट होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हर व्यक्ति अपने जीवन को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो वहां तक नहीं जाना चाहते हैं, जो बस आजकल के जीवन में ही जीवन को व्यस्त रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग उनमें से नहीं हैं, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को ये सीखना चाहिए, मैग्नीफाइड हीलिंग। मैग्नीफाइड हीलिंग सीखने के बाद आप लोगों को अपने अंदर खुद से डिफरेंस नजर आएगा। जब आप लोग लगातार मेडिटेशन करेंगे, लगातार सिंबल्स के साथ जब हम अपना कनेक्शन बनाते हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि आपने 40 डेज तक मेडिटेशन करने हैं, 40 डेज तक आपको हर एक एक सिंबल के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। ये आपके ऊपर है कि आप 40 दिन काम करें, आप 21 दिन काम करें, आप 11 दिन काम करें, या आप 3 महीने काम करें, या साल भर काम करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ कि आपको 40 डेज तक एक एक सिंबल के साथ अपना मेडिटेशन करना है, ताकि आप उन सिंबल्स की एनर्जी को फील करें, क्योंकि तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस एनर्जी को फील भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी मेडिटेशन के माध्यम से, समय निकालना पड़ेगा। आज सुबह मेरे पास किसी को कॉल आया था, उन्होंने बोला कि वो करना तो चाहते हैं बट वो इतना मेडिटेशन नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास समय नहीं है, वो ऑफिस गोइंग है। तो फिर कोई फायदा ही नहीं है कि अगर आप समय नहीं निकाल पाए और आप सीखें तो कोई फायदा नहीं है, सीखना है तो समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, देखिए ये हमने इनको व्हाइट ड्रेस में, आप देखिए मदद कुमारी ने इनको कितना ही इनके मन में, मतलब इनके चेहरे पे कितना शांत है, कितना कामनेस है, एक दया की देवी, करुणा की देवी, फॉरगिवनेस की देवी है ये। चलिए, ये हमारे कोर्स का पूरा कंटेंट है, जिसमें कि आपके 45 सिंबल्स होंगे, जिसमें कि आपके पास कर्मास की हीलिंग भी होगी। बॉडी, जब आप अपने हीलिंग्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने बॉडी को बहुत हल्का महसूस करेंगे। बॉडी में किसी भी तरह की कोई, जैसे यहाँ तो हमने लिखा है बैलेंस कैल्शियम, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैल्शियम को ही बैलेंस करें। बहुत सारी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, किसी का विटामिन डी का प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं, उन सभी चीजों को आपने कैसे बैलेंस करना है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग अधिकतर आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको सिखाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हीलिंग द अर्थ, आपने किस तरीके से, जैसे अभी आप पीछे कोरोना हुआ था, जब कोरोना आया था तो किस तरीके से आप, मतलब हमने उनको हीलिंग दिया, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको एनर्जी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कुदरत से ले रहे हैं तो आप कुदरत को दे रहे हैं, आपका बस वही कर्म है यहाँ, ठीक है। कर्मास की हीलिंग करना है, तो इस तरीके से अपनी हर प्रॉब्लम को आप यहाँ पर हील कर सकते हैं। अटूनमेंट आपको दिया जाएगा, 45 सिंबल्स का अटूनमेंट आपको दिया जाएगा, प्लस आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे किसी और को हीलिंग देनी है,
किस तरीके से, मतलब आप टीचरशिप जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको सिखाई जाएगी कि जब आप किस यहाँ से सीखने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से हीलिंग दे सकते हैं, किस तरीके से उनको सिखा सकते हैं, और डिस्टेंस में आप उनको किस तरीके से अटूनमेंट देंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपका पेमेंट डिटेल है, पेमेंट डिटेल आप देख लीजिए। न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए आपका जो आफ्टर डिस्काउंट है 3158, और जो हमारे ऑलरेडी एक्सिस्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 2685 है। 2 मंथ्स का ये कोर्स है, ठीक है, और ये सारी वहाँ की डिटेल्स हैं। 2 मंथ्स का कोर्स है ये, एक मिनट रुकिए, क्लासेस यहाँ पे लिखी है। हाँ, 2 मंथ्स का कोर्स है, 9 अप्रैल से अभी ये स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग 7:30 PM फ्राइडे, 4 PM। सारी हमारी जूम पर हमारी क्लासेस होंगी। आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सारे हम यहाँ पे आपको करेंगे क्लियर। रिपीट आप लोग एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं, एक बार सीखने के बाद दोबारा से अगर आपको रिपीट करना है आप कर सकते हैं। जितने भी आपके लिए ज़रूरी नोट्स हैं वो सभी आपको मिलेंगे, और आपको सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीट द कोर्स। चलिए, अब आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, जिनका भी कोई क्वेश्चन है बताइए। प्रवीण जी, आपने अपना हैंड रेज किया है। मैम, ये जो हमारा फ्राइडे का 4 PM का ग्रांड रेकी नहीं है? 4 PM तो हमारी फ्राइडे को। हाँ, फ्राइडे को है, अब वो तो हमारा रेकी का आई थिंक एक ही फ्राइडे आएगा, तो देख लेंगे उसमें कैसे टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, ये भी आपको बता देंगे, ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम का एक दो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक अच्छा, ठीक है। है, हाँ जी राहुल जी बताइए। मेरा भी यही क्वेश्चन है कि 4 PM है ना, ये अगर 5 के बाद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है फ्राइडे को, चलिए, या ये थर्सडे को कर सकते हैं या सैटरडे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं बात कर सकते हैं ऑफिस में जैसे भी होगा, मैं इस बारे में अभी आपको खुद से नहीं बता सकती कुछ भी। है। है? नहीं, वैसे तो मैंने एडमिशन करा दिया है मैम आपकी क्लास में, पहले पहले करा दिया था 3 दिन हाँ, पहले। आपने बताया था मुझे कि आपने करवा दिया है, थैंक यू सो मच। नहीं, वो तो मैम हाँ करना ही है मैम। एक चीज बताएंगे, करुणा रेखी में सेम देवी है वो जो करुणा रेखी वाली, और ये इसमें भी सेम देवी है, एक ही काम करती है? देखिए काम, देखिए अब जैसे अब इन्होंने ही मैग्निफाइड हीलिंग को बनाया है, मतलब इनके माध्यम से ही मैग्निफाइड हीलिंग आई है, ठीक है। और इन सबके जैसे अब डॉक्टर मिकाओ उसी हैं, डॉक्टर मिकाओ उसी ने रेकी का बनाया, रेकी को इन्वेंट करा डॉक्टर मिकाओ उसी ने, मदर कॉइनेम ने ही ये करुणा रेकी, मैग्निफाइड हीलिंग, आगे जो वॉलेट फ्लेम रेकी है, ये सब इनके बनाए हुए हैं। सबके सिंबल्स अलग अलग हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, जब आप सीखेंगे तो आपको समझ में। बताइए निखिल जी, बताइए। अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ दोनों बताइए, की दोनों मेन मेन देवी एक ही है, जो मैग्निफाइड में भी वही काम करती है, करोना में भी वही काम करती है, तो ये रेकी में भी काम करती है सेम देवी? बिल्कुल, रेकी में भी काम करेंगी। अगर आप इनको रेकी के लिए इन्वोक करेंगे तो रेकी में भी आएंगी, अगर आप इनको एंजल थेरेपी में इन्वोक करेंगे तो वहां पर भी आएंगे। जैसे हमारे बोलते हैं ना कि एंजल्स, जिसे हम बोलते हैं एंजल्स की तरह ही ये हमारे जीवन में है ना, कि इन्होंने एक, ये एक ह्यूमन थी, एक ह्यूमन होकर इन्होंने अपनी तपस्या से अपने आप को मोक्ष का रास्ता दिया। मोक्ष ना लेकर ये संसार में है, संसार में रहकर ये लोगों की मदद करती है। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति रोता है ना, जब भी किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो सबसे मदर क्वाइनेन खुद वहां पर आते हैं उनको हेल्प करने के लिए। जब हम आपको अटूनमेंट देंगे तो बेसिकली हम आपको अटूनमेंट नहीं देंगे, हम मदर क्वाइनेन को इन्वोक करेंगे, और मदर क्वाइनेन ही आपको अटूनमेंट देंगे। ये सब जगह पहुंचती है, सिर्फ आपको इनको बुलाना आना चाहिए, ठीक तो है। लामा फेरा इनके में अंदर इतनी अच्छी एक पावर है इनके अंदर, जब आप, मतलब मैं तो अभी आपके साथ क्लास में बैठी हूँ ना, मतलब इंटरनली मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग आप लोगों को भी महसूस होगी जब आप अटूनमेंट मतलब लेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, लामा फेरे में भी आती सेम आप चीज? कहीं भी इनको बुलाइए ना, लामा फेरा में बुलाइए तो लामा फेरा में भी आएंगे, सब जगह आएंगे। जैसे हम हमारे ईश्वर को जब भी जहां बुलाते हैं, अगर मैं बोलूंगी कृष्ण भगवान को, मैं जहां भी बुलाऊंगी वो मुझे चारों तरफ नजर आएंगे। आप जो कोई हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को बुलाएंगे सब जगह। हनुमान जी भी तो हमारे एंजल्स ही है ना, जिस तरीके से हनुमान जी हैं उसी तरीके से मदर कॉइन भी है। अच्छा, मदर कॉइन,
तो मैम इसको, इनको मदर कॉइन बोलें या ये एक तारा देवी भी तो है, वो अलग है। इनका देखो रूप बहुत सारे हैं, जैसे ग्रीन तारा माँ, येलो तारा माँ, रेड तारा माँ, तो वो तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हम जो इनको मेन नाम से जानते हैं, जो मेन नाम से इनको इन्वोक करते हैं, वो मदर क्वाइन इनके नाम से ही इन्वोक करते तो इनकी मैम स्पेशलिटी क्या है, मतलब कौन से, मतलब कौन सी बीमारी दूर करती है या कौन सा हीलिंग करती है, स्पेशलिटी होती है ना हर सबकी। हैं। हर तरह की बीमारियों को देखिए हील करती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो आप सिंबल सीखेंगे तो सिंबल्स में आपको मालूम चल जाएगा हर सिंबल का अपना काम है ना। जब आप सिंबल्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हर सिंबल्स की अपनी एक एनर्जी है, अपना काम है। और आपने तो पहले ऑलरेडी इतना सब कुछ सीखा हुआ है तो आप शक नहीं होना चाहिए इस बारे में। हाँ नहीं वो तो मैं सीखता रहूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो चलता रहेगा, इसीलिए ऑलरेडी मैंने करा लिया, क्योंकि उसमें सोचने की बात, मैंने मुझे तो करना ही था। पर मैम ये डेट कब की है इसकी स्टार्टिंग की? देखिए 9 अप्रैल डेट दी हुई है, लेकिन अभी देखते हैं कब से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है 9 अप्रैल को भी स्टार्ट करेंगे, भी 9 अप्रैल को और भी क्लासेस हैं, या तो उन क्लासेस का टाइम को मैनेजमेंट करेंगे या तो फिर इस क्लास को टाइम के मैनेजमेंट करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी बच्चे एक्चुअली छुट्टी पर चले गए हैं, तो उनसे ही बात कर इसका मुझे पता चलेगा कि क्या करना है। क्योंकि मेरे पास लेट आया है ये पीपीटी, तो इसलिए मुझे उसका एकदम एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, तो उनसे कल मेरी बात होगी तभी हमें पता चलेगा कि कैसे हमने इसको टाइम को मैनेज करना। लेकिन टाइम हमारा यही रहेगा एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एवरी ट्यूसडे 7:30, एवरी फ्राइडे 4 o'clock, टाइम यही रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि आप इसको टाइम चेंज कर दीजिए या थर्सडे को, तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे पास और सभी लोगों का रिक्वायरमेंट आती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सोच। ठीक है, बट मैं आपका ये रिक्वेस्ट बोल दूंगी क्लास ऑफिस के अंदर, बता दूंगी उनको, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, अच्छा बट कोशिश यही रहे, मतलब मैं आपको फिर भी बता दूं कि टाइमिंग 99% मुझे लगता है कि यही टाइम है, 1% अगर कुछ गुंजाइश होगी तो जरूर उस चीज के ऊपर काम करें। ठीक ओके मैम, है, हाँ जी बताइए निखिल जी। मैंने भी एनरोल करवा लिया है, तो अच्छा थैंक यू। मुझे ये जानना था कि टाइमिंग की वजह से ही ऐसा हो सकता है कि बहुत बार क्लास मिस हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि अटेंडमेंट्स वगैरह लेने हैं, तो वो पहले ही हमें बता दिया जाएगा कि कब है, या तो हर क्लास में होगा कि कैसे होगा उसका? नहीं वो मैं आपको पहले ही बताऊंगी, ओके, तो ग्रुप में यही वैसे बताऊंगी। मैसेज आ जाएगा ग्रुप में? हाँ ग्रुप में आपके पास मैसेज आ जाएगा। और देखिए हम लोग जब आप लोगों को अटेंडमेंट देते हैं, जो भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी जो सीखे हुए हैं, जिनको मालूम है, मैं उसको 1 वीक के लिए स्थापित करती हूँ अटेंडमेंट प्रोसेस। ओके और फिर वो आप उसको, जैसे अगर हमने सपोज आज का डे है हमारा संडे है, अगर सपोज हमने संडे को अटेंडमेंट लिया आपका, मतलब आपकी जैसे सपोज ट्यूसडे को आपकी क्लास है, ज्यादातर तो मैं कोशिश करूंगी ट्यूसडे को ही अटेंडमेंट क्लासेस रखेंगे, क्योंकि 7:30 के बाद ज्यादातर लोग फ्री हो जाते हैं। तो ट्यूसडे को हमने अपना अटूनमेंट क्लास रखा, अटूनमेंट दिया आपको, तो उसको हम नेक्स्ट ट्यूसडे तक के लिए स्थापित करते हैं। ये आपको मालूम, आप ग्रैंड मास्टर हैं, आपको मालूम होगा कि इस तरीके से हम एनर्जी को स्थापित कर सकते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट ट्यूसडे तक हम उसको स्थापित करते हैं, तो आप उसको नेक्स्ट ट्यूसडे तक कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम अटूनमेंट करेंगे तो आप अपने एक फोटोग्राफ मेरे को भेजेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वह उसके हिसाब से मैं आपको अटूनमेंट दूंगी, और आप उसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से 1 हफ्ते के अंदर कभी भी ले सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप क्लास के अंदर बैठ कर अटूनमेंट लेते हैं तो वो सबसे उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अगर आप फोटो के माध्यम से सिर्फ अटूनमेंट लेते हैं तो भी एनर्जी ठीक होती है, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग मैसेज डालते हैं कि आप अपनी फोटोज डाल दीजिए, फोटोज डाल दीजिए, बट नहीं आती है हमारे पास फोटो, तो फिर हम उसको मास अटूनमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि हमें भी अपने सबको अटूनमेंट देना होता है, और आप देखिए 45 सिंबल्स का अटूनमेंट होता है, तो हम फिर हमारे कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा, अगर हम अगर व्यक्ति उसको मिस करते जाएंगे तो फिर कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, और वो हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये 3 तरीके से हम लोग चलते हैं। और ठीक है, बात। जैसे हाँ बताइए। यस मैम, थैंक यू मैम, जैसे आप बता रहे थे कि
बाहर आपने बताया कि काफी सारे लेवल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ अभी यही एक फाइनल क्लास होगा जिसमें हमें सारा सिखाया जाएगा। हाँ यही फाइनल क्लास होगी जिसमें आपको सारे सिखाया जाएगा। लेवल्स इसके 4 लेवल्स होते हैं, तो यही जो हमारे 45 सिंबल्स है इसको किस तरीके से हमने 4 लेवल्स में बनाना है ये भी मैं आपको क्लास में बता दूंगी। तो जब आप कभी किसी को देना चाहें, करना चाहें आगे, तो आप उसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके आप उनको करवा सकते हैं। ठीक थैंक यू मैम, थैंक यू। है, थैंक यू। बाकी यहाँ पे जो लोगों ने ऑलरेडी अटूनमेंट्स ली हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, प्लीज आप लोग थोड़ा सा शेयर करें कि आप लोगों को क्या फील हुआ, जो भी लोगों ने लिए तो, है ना। रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप में से कितने लोगों ने अटूनमेंट्स लिए? प्रमोद जी आपने नहीं लिया रिकॉर्डिंग से? क्लास क्लासरूम में लिया है, मुझे तो अच्छा ही फीलिंग। में लिया रिकॉर्डिंग से अभी तक नहीं लिया, मैं तो क्लास में ही मिल जाते हैं। है? ओके ओके। राहुल जी आपने? हाँ जी मैम, मैंने देखा है रिकॉर्डिंग से भी मैंने लिया, क्योंकि मैं मनी रेकी और उसमें तो मुझे करना ही पड़ता था, क्योंकि कई बार मेरी छोटी है क्लास। हाँ, तो आपने क्या, आपकी एनर्जीज थी? हाँ मनी रेकी और आपकी करुणा रेकी। नहीं, आपने रिकॉर्डिंग से भी अटूनमेंट लिया है ना? हाँ जी मैंने रिपीट क्लास भी की है रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो हाँ, उसमें तो आपको कैसा लगा? मतलब ऐसा कुछ लगा, चेंज आपको लगा कि मैडम सामने नहीं बैठी है या क्या है? नहीं ऐसा तो नहीं लगा मैम। हाँ ये फिजिकल क्लास, फिजिकल में क्या अटेंशन रहती है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि बीच आप में सो ब्रेक जाते ले, हैं? बट मैं क्या करता था, नहा धो के बैठता था, ऐसा ऐसा मैं ये सोच के बैठता था कि मैं मतलब लगता ही नहीं है वैसे मैम आपके, जब मैं आपकी क्लास सुनता हूँ ना तो ऐसा ही लगता है कि आप सामने बैठे हो। है ना? हाँ हाँ बस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है, बस ये सबसे जरूरी है। अब ये नहीं है ना कि जैसे अब रिकॉर्डिंग में एक ये थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन का रहता है कि अभी सुन लिया फिर 10-15 मिनट के बाद सोचा कि चलो ब्रेक ले के, नहीं देखो ये तो आपका अपना है ना, ये आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि हम अगर मेडिटेट अटूनमेंट के लिए बैठे हैं तो हमें करना है। क्योंकि अगर आपने सोचा 10 मिनट कर लिया फिर छोड़ दिया फिर 10 मिनट, तो फिर तो वो अटूनमेंट होगा ही नहीं। अटूनमेंट में तो आपको पूरा समय निकाल के बैठना ही पड़ेगा, मैम। है मैंने ना? काफी किया है, काफी किया है मैंने, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की किया है और रात को भी किया है लेट नाइट 11-12 बजे, तो वैसे ही किया है जैसे आप कि आप सामने बैठे हो, सेम चलता रहता है जैसे मोबाइल है, वो मुझे एहसास ही नहीं होता। हाँ वही मैं कहना चाह रही थी कि उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि रिकॉर्डिंग से हम कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि रिकॉर्डिंग में और नॉर्मल में कोई आपको नेगेटिव नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल एक जैसी ही फीलिंग आएगी। तुलसीदास जी आप बताइए, आपने तो करे हैं रिकॉर्डिंग से? हाँ बताइए तुलसीदास जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग हाँ मैम। किया हूँ, किया हूँ हाँ आप बताइए। बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा जो माइंड गेम ही है, कोई न्यूली अगर आता है तो वीडियो देख रहा हूँ, और लाइव क्लास में थोड़ा प्रिपरेशन अलग होता है और उसमें डायरेक्ट हो जाता है, और वही उसका ख्याल ही थोड़ा दिक्कत करता है, नहीं तो अंतर कुछ नहीं है, बाकी सब एक जैसा ही है। प्रिपरेशन ख्याल जो, उसमें थोड़ा माइंड माइंड गेम आता है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, उस टाइप का आता है बाद में। तो अगर लर्निंग के मोड में देखे तो बिल्कुल सही है, और ऐसे ही देख रहा हूँ बोले तो वीडियो देख रहा है, इस टाइप का थोड़ा फीलिंग आती है। मतलब कहने का मतलब ये, सा इसी टाइप का विचार आते हैं। हाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको अगर आपने सच में अटूनमेंट लेने की वजह से आप बैठकर प्रॉपर तरीके से अटूनमेंट ले रहे हैं तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि हाँ मैम सामने बैठी है और वो आपको अटूनमेंट दे रही है ना। जिस तरह हम मतलब मैं अपने आप को उस लेवल पे तो नहीं लेके जा सकती हूँ, लेकिन जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं मंदिर के अंदर बैठ के, जब आप पूजा करते हैं, जब आप पूरा कनेक्टेड होते हैं तो आपको लगता है भगवान आपके सामने बैठे हैं। मतलब मैं अपने आपको भगवान नहीं कह रही हूँ, मैं आपको एक सिर्फ एक वो बता रही हूँ
कि जब आपको ऐसे लगता है ना, फीलिंग आती है ना जब आप बैठते हैं कभी मंदिर में, जो पूरी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ईश्वर आपके सामने बैठे हैं और वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, मतलब आप आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपको लगेगा कि वो मूर्तियां आपसे बात कर रही हैं। ऐसा होता है ना किसी के साथ में? होता है कि नहीं होता? नहीं होता, अगर नहीं, होता मुझे है तो ठीक। मुझे होता है मैम, जैसे हाँ आपकी मैंने ज्यादातर मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना औरों की कभी इतनी सुनी नहीं है, करीब 2 साल से हूँ, लेकिन अभी सिर्फ लास्ट के 2 महीने से ना मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है, और ऐसा लगता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। रात रात भर हो जाता है, 2-2 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सुना है मैंने। हाँ नहीं, और मैं उसका मेन अपनी वजह अटोनमेंट ही थी, क्योंकि मुझे आपको सुनना था तो मैंने क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट की 0 से, और वो 2 घंटे चलती है तो चलती रहती है, अच्छा लगता है। हाँ नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान की बात कर रही हूँ कि जब आप मूर्तियों से बात करते, आपको लगता है कई बार मंदिर में बैठी मूर्तियां आपसे बात करें, मतलब आपकी एनर्जी वहां पर कनेक्ट होती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मंदिर जा रहे हैं शो देखने के लिए कि कितने सुंदर सजाया हुआ है ये है, तो एक अलग एनर्जी होगी। जब आप पाठ पूजा करने बैठेंगे तो एक अलग एनर्जी होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फॉर्म में बैठकर वो काम को कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से अटूनमेंट ले रहे हैं तो आपको कुछ चेंज लग रही है एनर्जी, आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक हाँ है? जी, अच्छा चलिए, थैंक यू। और कोई व्यक्ति बताना चाहता है रिकॉर्डिंग के माध्यम से? मैम मैं बोलती हूँ। हाँ बताइए। मैंने अभी रेकी ग्रैंड मास्टर में रिकॉर्डिंग और आपके साथ लाइव क्लासेस में दोनों तरफ भी लिया था अटेंडमेंट, पर मुझे उसमें खास कुछ फर्क नहीं नजर आया। मैं उतना ही एनर्जेटिक फील करती हूँ जब मैं रिकॉर्डिंग से भी लेती अटेंडमेंट। हाँ एनर्जी लेवल में कुछ भी फर्क नहीं है, हम ले सकते हैं रिकॉर्डिंग से। जी चलिए, थैंक यू शीतल जी। मैडम, ये कितने महीने का कोर्स है? 1 मिनट, शीतल जी, शीतल जी, ये कितने महीने का कोर्स है? ये 2 मंथ्स का कोर्स। अच्छा, और ये 45 सिंबल होगा तो हर सिंबल का शक्तिपात दिया जाएगा? यस, आपको हर सिंबल का शक्ति पाती है। मैडम जैसे कुछ पता चलेगा किस टाइप के सिंबल रहते हैं ये? क्या आप, ये तो क्लास में पता चलेगा, ये तो क्लास में ऐसा पता मतलब 45 सिंबल है तो अपन एकाध भी नहीं समझ, और जिसने रेकी नहीं सीखी हो तो मतलब आप बोल रहे थे उनको थोड़ा टिपिकल जाएगा, तो उनका मतलब रेकी के सारे मतलब वो अलग से हैं कि वो भी इसमें 45 सिंबल में नहीं ऐड है? है। 45 सिंबल्स में ऐड नहीं है, वो अलग है रेकी के सिंबल्स। और रेकी के से अगर आपने रेकी नहीं किया है, नहीं किया? आपने नहीं सीखा है, तो फिर देखो आपको उसके लिए पहले रेकी के 4 सिंबल्स का अटूनमेंट लेना पड़ेगा, 4 सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको आगे कर सकते हैं, है ना? तो पहले आप या तो रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से वो 4 सिंबल वो रेकी क्लासेस करिए, और अटूनमेंट तो आपको मेरे को अलग से देना पड़ेगा 4 सिंबल्स का, क्योंकि मैंने मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा रेकी नहीं सीखना वैसा, मतलब मैंने 2000 में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप करा है, मुझे पता है फर्स्ट ग्रुप का। मैं जब अपने सर्टिफिकेट और सब देखे एक दिन सफाई में, मतलब मेरे सर्टिफिकेट निकले तो तब मुझे पता चला, अरे यार मैंने रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल सीखा हुआ, पर मुझे कुछ याद नहीं है सेहे की चेकुरेई ऐसे कुछ सिंबल थोड़ा बहुत याद, पर उतना याद नहीं है मेरे को क्योंकि काफी टाइम की बात हो गई ना, और मुझे रेकी का नहीं इंटरेस्ट आ रहा था। आप देखो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा फिर तो कुछ हो नहीं सकता। इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा आपको। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आ रहा है, देखो ये कोई वजह भी हो सकती है, हो सकता है आपने ठीक से सीखा नहीं है या आपकी वो एनर्जी नहीं थी। हाँ कोई बात नहीं शीतल जी, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो अनेबल टू अनम्यूट फ्रॉम होम, कोई बात नहीं शीतल जी, बट मैं समझ गई हूँ आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी अट्यूनमेंट प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। चलिए, हाँ मैं क्या कह रही थी, अब आपने किस तरीके से सीखा हेलो वो, मैम, हाँ वो बताइए। मैं शीतल नहीं हूँ, वो अलग शीतल है जो बात करना चाहते हैं। मैंने तो मेरी बात रख दी है, अच्छा ओके, ये चलिए दूसरे बात, शीतल है कोई तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब उनका नहीं हो रहा अनम्यूट तो कोई बात, चलिए। हाँ तो ये डिपेंड करता है ना कि आपने कैसे सीखा, आपकी क्या एनर्जी थी, क्या आप उस
चीज के लिए बने हो या फिर नहीं बने हो, है ना? सबका अलग अलग होता है ना। कई लोगों को रेकी अच्छा लगता है, कई लोगों को लामा फेर अच्छा लगता है, कई लोगों को कुछ और अच्छा लगता है, कई लोगों को कुछ और अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी तरीके से देखो, यहाँ पे ये हमारा रेकी का, हम इसको बोलते हैं एडवांस वर्जन, ठीक है? लेकिन आप इन सिंबल्स को लामा फेरा के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आप इन सिंबल्स को ओमकार हलीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपने रेकी सीखा है तो आप रेकी के माध्यम से ही इन सिंबल को कर सकते हो। अगर मैम, आपने, लामा लामा फेरा और हुंकारा सीखा हुआ है मेरा। हाँ, तो अगर आपने लामा फेरा और ओमकारा सीखा है तो आप उसके माध्यम से भी इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो एक कॉस्मिक एनर्जीज है, एक यूनिवर्सल सिंबल्स वो है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे रेकी सिखाते हैं, मतलब मैं जैसे यहाँ पे रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं रेकी के सारी मोडालिटीज करवाती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर जैसे आपको करवा दूंगी तो मेरे को वो रेकी के थ्रू करवाऊंगी। लेकिन आप चाहें तो इसको लामा फेरा के थ्रू भी यूज कर सकते हैं ये सारे सिंबल्स। आप लोग वहां पर जैसे वो कपड़े पहनकर वो स्टिक के थ्रू आप उसको यूज करते हैं ना सिंबल्स को, तो यस आप मैम। मतलब वैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इसकी 15 क्लास। कहने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ मोडालिटीज आनी चाहिए, तभी आप उन चीजों को बैलेंस कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीखने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है? हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? 15 15 क्लास रहेगी मैडम करीब। आई थिंक 16 क्लासेज है, 16 क्लासेस। 16 रहेगी ना। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, मेरा एक उम्मीद क्वेश्चन है, करती। हाँ बताइए ये राहुल जी, सिंबल आप देंगे तो इसमें हर रोज कितने सिंपल होंगे? आपका ना वॉइस मैं क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कह रहा हूँ जोर। हर रोज डेली कितने सिंबल होंगे हर क्लास में? जब क्लास हम करेंगे तभी हम ये सारा चीज उसमें डिस्कस करेंगे, सारा कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। जब आपकी क्लास 1 होगी तो मैं उसमें आपका सारा कुछ इसका डिस्कशन, ठीक? चलिए चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग क्लास में आए और सीखें और अपनी एनर्जीज को बढ़ाएं और यूनिवर्स के साथ जुड़े। हाँ जी, हाँ, बोलिए। ये जैसे अपन लामा फेरा में तो बुद्धा की एनर्जी को इनवाइट करते हैं, बुद्धा और एनर्जी भी होती है ना, क्योंकि इसमें हुंकारा की, तो इसमें तो माँ आप कोनियन की एनर्जी बोल रहे हो ना। तो आपको, आपने अगर रिकॉर्डिंग मतलब सॉरी, अगर आपने मेरी क्लास को पूरा अच्छे से सुना होगा तो मैंने बोला कि मदर क्वाइनेम ने बुद्धा जी को सिखाया और बुद्धा जी से ये आगे जो उनके अनुयायी हैं, जैसे जो लोग भी ये सब चीजें सीख रहे हैं, उनको ये एनर्जी मिली। आपने अगर ओके भी, हाँ, क्लास को शुरू से सुना होगा तो आपने ये चीज पर ध्यान दिया, ठीक है? हाँ, वो एक बौद्धिस्ट धर्म को ही मानती थी, उसी में वो आई, तभी तो वो बौद्धिक सत्वा थी। उनको निमराना हुआ तो उन्होंने वो नहीं लिया, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है ना? तो वो बौद्धिक उसमें ही थी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।